नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आचल तिवारी और आप देख रहे हैं एचएम न्यूज। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री हंसराज अहीर आज बाल बाल बच गए। दरअसल हुआ यूं कि हंसराज अहीर को एक मीटिंग में भाग लेने के लिए दिल्ली जाना था, उसी के लिए वो एयरपोर्ट जा रहे थे। तभी उनके काफिले में एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक से घुस गया। हंसराज अहीर की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ के वाहन को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई जबकि अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दुर्घटनाग्रस्त कार के पीछे वाली कार में अहीर सवार थे, जिससे यह हादसा एक बड़ी दुर्घटना में तब्दील होने से बच गया। फिलहाल कार कैसे हादसे का शिकार हुई, इसकी छानबीन शुरू कर दी गई है। ये थी एचएम न्यूज की खास रिपोर्ट। इसी तरह के खबरों के लिए जुड़े रहिए एचएम न्यूज के साथ। यदि आपको हमारी न्यूज अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।